चावल ले रहा, चावल मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। तो दोस्तों कैसे आप सब, वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल गॉसिप टीवी पर। बात सुनो, अगर तुम पोलियो के कतरे पिलाने आई हो ना, तो साफ साफ बता दो हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हाँ, अगर जहर के कतरे हैं तो हमारी सास को पिला जाओ। दोस्तों बीवी अपने शौहर से कहती है कि आप पड़ोसी के जनाजे पे अभी तक क्यों नहीं गए। आगे से जवाब आता है कि किस मुंह से जाऊं। वो दो बार अपनी बीवी के जनाजे पे बुला चुका है और मैंने एक बार भी नहीं बुलाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की वीडियो में हम आपको हमारे पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी ही मजाया वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल गॉसिप टीवी पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने एक ऐसा वाहिद मुल्क बन चुका है जहाँ कोई भी चीज अब जाया नहीं होती। अगर ऐसे जूस मुफ्त में मिलना शुरू हो जाए ना, तो भी हमारे पाकिस्तानियों ने मुफ्त में ऐसे जूस को कटक जाना है। और आपस की बात है कि क़यामत के रोज फिरौन भी हमारे हुक्मरानों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान ना उससे भी ऊंचे ऊंचे होदे पर फाइज होंगे। दोस्तों हमारी अवाम ना इसलिए भी अभी तक तरक्की नहीं कर सकी इसको गंद मचाकर एटीट्यूड दिखाकर। बाहर के मुल्क में फिर बंदे के पुत्र बन के सफाई करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और फिर रिश्तेदारों को सड़ाते हैं कि बच्चा परदेश में सेट है। आजकल के बच्चों के काम चेक करें, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सर क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों आजकल के बाबा हजरात के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे, और ऐसे मौलवी हजरात के पास आते भी वही लोग हैं जो घरों में स्पाइडरमैन बनने की कोशिश में नाकाम हो या फिर मोहब्बत में। इन्हें अब कौन समझाए कि जहां वो इलाज करवाने गए हैं ना, अगर वो इतने कामयाब होते तो आज बिल गेट्स होते। बाबा बहुत अमीर कैसे बने बाबा। मुझे पता होता तो मैं खुद अमीर नहीं बन जाता। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, मूवी तो आपने देखी होगी, लेकिन मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस चुकार को मैं क्या नाम दूं। आजकल के मासूम लोग जिनका ना जन्नत का टिकट कंफर्म हो गया हुआ है, और जब मौत के फरिश्ते उन्हें मिस कॉल देते हैं तो इनके काम फिर कुछ ऐसे ही होते हैं। खैर अब बारी है इन मासूम नौजवान आवाम की, जो घर में पड़े सारा दिन वेले रहेंगे, मगर बाहर निकलकर इन्हें ऐसी फुर्तियाँ लग पड़ती हैं जैसे इनसे ज्यादा काम करने की कोई शय ही नहीं। खैर मैंने भी यही सोचा था, मुझे भी हकीकत बाद में पता चली। दोस्तों हमारी पाकिस्तानी आवाम ना आजकल कुछ ऐसे लक के सहारे जीती है कि अच्छी निकल पड़े तो भले भले, और अगर लक बुरी निकल पड़े तो मोए मोए। जैसे ये दुल्हा जी के काम चेक करें। अब इस बाबे को ना आप करंट वाली सरकार बोलेंगे ना ही बटन चा। खैर आपस ही कर ले। दोस्तों इसका जो हिस्सा पीछे की तरफ है ना, इसको फिर हम वही नाम देंगे और ये माइंड कर जाएंगे, जिनका माइंड इस मुल्क की तरह गिरवी हो चुका हुआ है। अब जरा इस मौलवी का शिफा खाना भी देखे, जहाँ मौलवी भी मरीज को कह देगा कि भाई जरा आहिस्ता चले क्योंकि ट्रैफिक से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगर किसी ने आपसे उधार लिया हो ना, तो ऐसी हरकतें आपके बहुत काम आने वाली हैं। इस ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अब किसी का भी उधार बाकी न रहे। Ha 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 ha
अगर ऐसी शिफाएं मिलने लगती ना तो आज कोई भी इंसान अस्पताल ना जाता और ना ही MBBS की डिग्रियां ली जाती। मेरी ना इन बाबाओं से रिक्वेस्ट है कि वो मिलकर दिमागी इलाज के लिए एक अस्पताल बनवा लें, ताकि कोई भी दिमागी मरीज इनके इलाज से महरूम ना रहे। वैसे ये बाबे कम और यो हनी सिंह ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे टैलेंट आपको सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। इनके काम चेक करें। दोस्तों, हमारी आवाम ना ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास कम और बाबा बटना शाह के पास ज्यादा जाएगी, तो फिर ऐसा ही इलाज होगा। दोस्तों, एक बंदा ना डॉक्टर के पास टूटी टांग लेके आता है कि उसके नीचे केले का छिलका आ गया। डॉक्टर ने कहा कि केले का छिलका तुम्हें नजर नहीं आया? नजर तो आया था, मगर मैं पैर रख के चेक कर रहा था कि अंदर केला तो नहीं है। हमारी पाकिस्तानी आवाम के काम भी कुछ इसी तरह के हैं। दोस्तों, अब जरा इस पायलट को देखें, जिसको इसके शौक दे डूबेंगे। इसकी हरकतें चेक करें। दोस्तों, हम लोग ना खाने से पहले चाय, खाने के बाद चाय और चाय के बाद चाय पीने के बाद ऐसे ट्रेडमिल की तरफ दौड़ते हैं जैसे 200 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दोस्तों, अब हम लोग ने ऐसे जुगाड़ लेके आएंगे कि हुकूमत को पेट्रोल ना सिर्फ मुफ्त देना पड़ेगा बल्कि वो पैसे भी साथ में देगी। वैसे आपस की बात है, हम पाकिस्तानी आवाम ना मुफ्त की कोई चीज भी नहीं छोड़ते, चाहे वो मशवरे या फिर बेइज्जती क्यों ना हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी राय से लाजमी कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।